Hello, bachcho. Welcome. Good evening to all of you. And I'm really sorry for the late. Okay? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोस्टेट्स का नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों आज, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स पर. माई सेल्फ महेंद्र सिंह, आई एम बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट. कई सारे बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर बना चुका हूँ. अब आपको बनाने के लिए शपथ ली है बच्चों. टेलीग्राम ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए. कई सारे बच्चे मुझे रेगुलर डाउट पूछ रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई कर रहा हूँ, वो बेनिफिट ले रहे हैं. आप भी अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में ये जो आपको URL दिखाई दे रहा है इसे अपने फोन में ब्राउजर में ओपन करके डाल दीजिए, एंड यू विल बी एबल टू जॉइन विथ अस, और आप एंजॉय करेंगे. सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं. चलिए 121 वॉचिंग नाउ, स्प्रेड करो बच्चों अभी के अभी इसको. देखते हैं आज तुम्हारा प्यार कितना है फिजिक्स के लिए. नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं बच्चों, आप अनअकैडमी प्लस पर जाने के लिए अपने फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद में इंस्टॉल करें. इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस पर जाइए बच्चों. ध्यान रखिएगा कहां जाएंगे आप, प्लस पर. और प्लस पे जाने के बाद में प्री मेडिकल नीट एंड एम्स का सेक्शन आप सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप वहां पर अलग अलग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है. 1 month, 3 month, 6 month, 12 month. आपको 12 month का सब्सक्रिप्शन सबसे सस्ता पड़ेगा. आप इसे चोज करने के बाद में नीट लाइव, ये जो कोड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, आप इसे जब यूज करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट, राइट? तो और आप ये जब कोड यूज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे. बहुत ही किफायती, बहुत सस्ता आपको पड़ेगा बेटा. फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन है. इफ यू वॉन्ट मोर पर्सनलाइजेशन, अगर आपको चाहिए कि ये जो हमारी सॉलिड टीम है ये आपकी रैंक बनवा कर माने, आइए आप हमारे साथ जुड़िए प्लस पर, और हम मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे बच्चों. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं. कल मैंने आपको सिखाया था बच्चों लेक्चर में कि यहां पर जो चार्ज एक्चुअल में है उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. तो कोई मुझे लिख रहा है कि सर मुझे आपसे बात करनी है. आ जाओ बच्चों प्लस पर, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तो बात भी कर पाओगे और मिल भी लेंगे. चलिए जी, तो यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उसे ध्यान रखिएगा बच्चों क्या इक्वेशन बनती है. तो बेसिकली जो भी चार्ज होता है इनिशियल, क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, इतना काम आता है. यहां तो खैर इलेक्ट्रोस्टेट्स में तो काम हम करेंगे, इसे तो हमें यहां पर काम में लेना ही लेना है, लेकिन आगे भी कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ये वाला एस्पेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद करेगा बच्चों, स्पेसिफिकली जब आप पढ़ेंगे कैपेसिटर वाला चैप्टर. चलिए जी और स्प्रेड करें जरा. 189 वॉचिंग नाउ, मुझे आज चाहिए आपसे 400 प्लस. देखते हैं आप कितना प्यार दिखाते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स के लिए. चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टी बस बच गई थी जिसे कहते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. बेसिकली हमें पता है सर कोई भी इस तरह का अगर एटम हो तो एटम में, एटम के पास क्या होता है भैया, तो दो चीजें होती हैं. तो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने पढ़े थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. तो अगर कोई एटम कैसा हुआ बच्चों, अगर कोई एटम हुआ न्यूट्रल, अगर कोई एटम कैसा होता है न्यूट्रल, तो उसमें दो बातें होनी चाहिए. नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही क्या होते हैं बच्चों, चार्ज होते हैं. न्यूट्रॉन आपका जो न्यूट्रॉन से वो तो चार्ज नहीं होता. तो बेसिकली अगर हमें एक बात पता हो तो जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं बच्चों. कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में. और इलेक्ट्रॉन इनके आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ये रहे इलेक्ट्रॉन यहां पर. अब अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन जो है वो बहुत मैसिव पार्टिकल है, न्यूक्लियस में बॉन्डेड होता है, मूव नहीं करता. लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहता है. इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ स्पीड होता है बेटा, जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं, मूव करता है जिस वेलोसिटी के साथ, राइट? तो एक्चुअल में एक चार्ज है जो रेस्ट पर है और एक चार्ज है जो मोशन में है. लेकिन अगर आप देखेंगे तो चार्ज ऑफ प्रोटोन +1.6×10⁻¹⁹ कॉलम होता है बच्चों, राइट? एंड जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है -1.6×10⁻¹⁹ कॉलम. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज कितना होता है बच्चों, तो दोनों पर चार्ज होता है सेम, लेकिन एक बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है और एक नियरली रेस्ट पर रहता है. बात बिल्कुल वैसी हो गई. आप प्रोटॉन को बोल सकते हो ये एक हाथी की तरह है, बहुत मतलब न के बराबर चलता है या स्लो रेस्ट पर रहता है. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है आप इसे घोड़े की तरह समझ सकते हो. तो अगर मैं एक एटम की बात
करता हूं तो इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, प्रोटॉन रेस्ट पर है, लेकिन दोनों का चार्ज सेम है। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि सर चार्ज आपका जो रेस्ट पर हो या चार्ज चाहे आपका मोशन पर हो, चार्ज हमेशा चार्ज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये स्पीड इंडिपेंडेंट होता है, इस बात को जरा समझे हम। बहुत ज्यादा ये यूज में नहीं आता लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज में है, इसलिए हमें यहां पर पढ़ना था। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं जो हमने सीखा है उस पर बेस्ड। चलिए कीप स्प्रेडिंग बच्चों, कीप स्प्रेडिंग। ओके जी, यहां पर अ सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल। एक वो जो आपने सर्फ वगैरह अगर हम पानी में मिक्स करके बेटा ऐसे शेक करते हैं ना, तो वो बबल्स जो बनते हैं, सोप बबल्स, राइट, उसको अगर हमने नेगेटिव चार्ज दिया, क्या दिया बच्चों, नेगेटिव चार्ज, तो उसकी रेडियस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेंस अनचेंज या फ्लक्चुएट करेगी। जल्दी से आंसर करके बताइए मुझे, क्या आंसर कर रहे हैं आप फास्ट। प्रदीप कुमार ने सबसे पहले आंसर किया है राइट ए। ओके, तेजाश्री ए, आकाश, अतुल, लॉट्स ऑफ पीपल, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, उम्दा प्रदर्शन तुम लोगों की तरफ से। बस इसी तरह चलते रहें और मजेदार बात करते रहें। देखिए ये रहा मेरे पास अगर एक तरह का एक सोप बबल हुआ बच्चों, अगर इसकी इनिशियल रेडियस मान लीजिए आर है, अगर आपने इसको कुछ भी चार्ज दिया, मान लीजिए ये बोल रहा है इसलिए हमने उसको बोल दिया नेगेटिव चार्ज, नहीं भी नेगेटिव हो पॉजिटिव भी हो किसी भी तरह का चार्ज हो, अगर हमने इसे नेगेटिव चार्ज दिया तो क्या होने वाला है इसको समझिए। अगर हम यहां पर समझे तो क्या होता है बेटा, जो लाइक चार्जेस होते थे रिपेल ईच अदर, तो ये वाला यहां पर, ये जो स्मॉल सेक्शन में सेलेक्ट करूंगा, ये वाला जो छोटा सा सेक्शन, इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और इसके सामने जो छोटा सा सेक्शन है उसका भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो यहां पर एक बहुत छोटा सा चार्ज dq होगा, यहां पर भी एक बहुत छोटा सा चार्ज dq होगा, ये दोनों के दोनों dq कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर एक dq यहां पर है और दूसरा वाला dq कहां पर है बच्चों, उससे 2r डिस्टेंस पर, डबल रेडियस पर, राइट, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, लाइक चार्जेस हैं इसलिए रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये दूर जाना पसंद करेंगे, तो लेटर ऑन क्या करेगा, इसका साइज कंटीन्यूअसली क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, बिकॉज हर एक एलिमेंट्री चार्ज के लिए लाइक और अपोजिट चार्ज अवेलेबल है। तो इस बात का यहां पर हम ध्यान रख के आंसर क्या करेंगे, आंसर होगा आपका ए, इंक्रीजेस। एकाध बच्चों ने लिखा था क्या कि यहां पर डिक्रीज होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन फिर भी फटाफट से करके बता दीजिए कि इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो एक आपको दिया हुआ है 1.6 into 10 raised to the power minus 18 कॉलम, एक दिया हुआ है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कॉलम, और एक है 1.6 into 10 raised to the power minus 20 कॉलम। पहले बताइए आप कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। कम ऑन फास्ट बच्चों, स्प्रेड नहीं कर रहे हैं आप, बढ़ाइए इसको जरा, वॉचिंग इज 222 नाउ, अभी इसको और आगे ले जाना है, 200 वॉचिंग एक्स्ट्रा हमें अभी करनी है बच्चों। फटाफट अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर शेयर करके आइए, उन बच्चों तक इस क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाइए जिन्हें वाकई में इसकी बहुत जरूरत है। चलिए जी, तो यहां पर बेसिकली इनमें से कौन सा पॉसिबल है, तो हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है बच्चों वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो कल आपको सिखाया था क्वांटाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था सर क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, क्या पढ़ा था बच्चों, Q is equals to plus minus NE, तो क्या करेंगे, तो यहां पर एक्चुअल में Q की जगह सबसे पहले वाला अगर मैं चेक करता हूं फर्स्ट के लिए, तो ये हो जाएगा सर 1.6 into 10 raised to the power minus 18, और इस तरफ n का वैल्यू मुझे निकालना है, और e का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कॉलम, तो बेसिकली ये जो n का वैल्यू है ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6, यहां पर रहेगा 10 raised to the power minus 18 और नीचे हो जाएगा 10 raised to the power minus 19, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर माइनस 18 ये जाएगा प्लस का 19, मतलब यहां पर आ जाएगा आंसर कितना बेटा 10, एक इंटीजर नंबर आया, मतलब ये पॉसिबल है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 1.6 10 रेस पर माइनस 19 कॉलम डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेस पर माइनस 19 कॉलम, ये भी पॉसिबल है। जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा ये सी वाले को जब हम चेक करेंगे तो इसमें हो जाएगा सर ये 1.6 इंटू में होगा बच्चों आपका कितना 10 रेस टू द पावर माइनस
20 और इसके डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे तो दैट वुड बी 1.6 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19, ये आएगा n का नंबर। तो बेसिकली ये तो कट हो गए बच्चों, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर 10 रेस टू द पावर माइनस 20, नीचे बचेगा 10 रेस टू द पावर माइनस 9, तो एक्चुअल में जब ये 19 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा बच्चों तो आंसर बनेगा कितना, प्लस 19, तो बचेगा यहां पर 10 रेस टू द पावर माइनस 1, मतलब n का वैल्यू हो जाएगा सर 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, व्हिच इज एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीजर नहीं आ रहा है, और अगर इंटीजर नहीं आया तो क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे सर यहां पर सी वाला इज द करेक्ट आंसर, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कॉलम ऑफ चार्ज विल बी, आप में से कई सारे लोग बहुत सुपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चों, बस इसी तरह से लगातार बने रहिए और लगातार सॉल्व करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, ये और ज्यादा एनर्जी हमें देगा, मजा आएगा। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कॉलम ऑफ चार्ज विल बी, चलिए देखते हैं कौन करता है, इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यार वैसे डायरेक्ट आंसर है इसका, आप में से अगर थोड़े बहुत भी लोग अगर स्कूल जाते हैं रेगुलर, आप में से कई लोग ड्रॉपर्स होंगे, कई लोग 11th स्टैंडर्ड में भी हो सकता है वो लोग भी देख रहे हो, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों 11th वाले को भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट जो हमें यूज करना है वही सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है क्वांटाइजेशन, क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब यहां पर आपको जो चार्ज है वो दिया हुआ है, कितना चार्ज है, वन कॉलम, कितना चार्ज है बच्चों, वन कॉलम, तो क्यू की जगह आप कितना रख दीजिए, वन कॉलम इज इक्वल टू एन आपको निकालना है, और ई की जगह कितना रखेंगे, 1.6 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कॉलम, तो ये कॉलम से कॉलम कैंसिल हो जाएगा, एन का वैल्यू होगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19। जब आप इसे सॉल्व करते हैं राइट, जब थोड़ा सा प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे तो दिस नंबर कम्स आउट टू बी 6.25 इनटू 10 रेस टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर आ जाएगा बच्चों, एग्जैक्टली कल हमने जब क्वांटाइजेशन की बात करी थी तब हमने ऐसा एक नंबर 0.001 कॉलम में, डू यू रिमेंबर, 0.001 कॉलम में हमने कैलकुलेट किया था, एंड दैट नंबर इज 6.25 इनटू 10 रेस टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स आया था, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट आपको मदद करेगा, तो याद रखिएगा इस नंबर को। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग वन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगर एक न्यूट्रल बॉडी हमारे पास अवेलेबल है बच्चे, और उस न्यूट्रल बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं उसे कैसे चार्ज करूंगा, तो मेरे पास सबसे पहली मेथड, डिफरेंट डिफरेंट थ्री वेज भी है, जब मॉडर्न फिजिक्स में हम जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज बढ़ जाते हैं, तीन एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उनकी बात नहीं करते। तो यहां पर तीन वेज है जिसमें सबसे पहले वे की हम बात करेंगे बच्चों, और वो क्या होगा, तो दैट वुड बी चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहां पर समझना यार, देखो सेकंड वाले पिक्चर में अगर देखोगे ना तो चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी की जरूरत है आपस में इस तरह से राइट, कॉन्टेक्ट में आके इस तरह से फ्रिक्शन होना चाहिए। ठंडी के दिनों में तुम लोग करते हो ना एग्जैक्टली, ठंडी जब लगती है तो हाथों को ऐसे आपस में रब करते हो, हीट जनरेट होती है आपके हाथों में, तो यहां पर सेम हो रहा है बेटा, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को जब आपस में हमने क्या किया, रब किया, तो देखो पहले इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस थे, इसके पास दो प्लस दो माइनस, इसके पास दो प्लस दो माइनस, लेकिन जब हमने इनको आपस में रब किया तो रबिंग प्रोसेस में जिस क्वांटिटी जिस वाली बॉडी के पास क्या होंगे, जो जो बॉडी रिजिडली इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होगी वो क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए देखो वो वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये कैसी चार्ज हो गई बच्चों, पॉजिटिवली, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए वो कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। मतलब अगर एक और एग्जांपल लिया हुआ है, ये जो यहां पर आप देख रहे हो ये है ग्लास रॉड बच्चों, क्या है ये, तो ये है बेसिकली ग्लास रॉड, और ये अगर हम बात करें तो ये जो है यहां पर ये है आपका सिल्क क्लोथ राइट, तो अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ को आपस में रब करते हैं तो यहां पर एक बॉडी से दैट इज ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लोथ में चले जाते हैं। अब यहां पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कई बच्चों का डाउट होता है, कई बार मुझसे पूछ चुके हैं और पूछते भी रहते हैं कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन से बॉडी से इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली निकलेंगे और कौन सी बॉडी में जाएंगे, इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा।
कुछ सेट ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिनके आपस की रबिंग में डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता. इंपॉर्टेंट है व्हेन वी रब टू बॉडीज टुगेदर. कई बार आप लोगों ने अपने दोस्तों की जब बर्थडे पार्टी मनाई होगी और उस बर्थडे पार्टी में बलून अगर स्टिक करना होता तो हम बलून को फुला के जस्ट ऐसे शर्ट पर रब करके और दीवार पर चिपका देते थे, याद आता है. और भी एक एग्जाम्पल देता हूं, जब हम कॉम्ब करते हैं हमारे ड्राई हेयर को तो जब कंघा हम ले जाते हैं बालों के पास में तो सारे बाल अपनी रूट पर खड़े हो जाते हैं बच्चों और ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं क्योंकि सारे बाल सेम नेचर के चार्ज्ड हुए क्योंकि कंघे के साथ रबिंग हुआ. अब सारे बाल अगर सेम नेचर के हैं तो सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. इसलिए आपके सारे के सारे बाल ऐसे खड़े होके ऐसे हो जाते, राइट. ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बस फिजिक्स है. मैंने क्या कहा था, फिजिक्स है, हमारे आसपास है, देखने का नजरिया बस चाहिए होता है. तो यहां पर एक बॉडी अगर हमारे पास, यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बॉडी वन अगर हमारे पास है और यहां पर मैंने बनाया बेटा बॉडी टू, तो क्या करेगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी में करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो अगर एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक के पास आएगी क्या बच्चों, कल भी हम बात कर चुके थे, एक के पास आएगी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी के पास होगा वो कैसा चार्ज होगा बच्चों. जिस बॉडी के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा चार्ज होगा और जिस बॉडी के पास क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगे वो कैसा चार्ज होगा. ओके, यस, नाइस. सो आंसर इज बेटा यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज हो जाएगा प्लस एनी और यहां पर एक्चुअल में जो है क्या होगा तो यहां चार्ज हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस एनी. याद रखिएगा ये बिल्कुल चार्ज इज ट्रांसफरेबल वाली प्रॉपर्टी में जो बढ़ाया था बिल्कुल सिमिलर है. इस बॉडी वन का मास कम हो जाएगा, इस बॉडी वन का मास बढ़ जाएगा. हालांकि वो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मास जो है वो बहुत कम इन मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्वालिटेटिव आंसर कि बढ़ेगा या घटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उसका मास कम हो जाता है बच्चों. चलिए जी, तो नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वालिटी प्रॉब्लम्स इस पर बनते हैं और बच्चा सबसे ज्यादा इस टॉपिक पर परेशान होता है. लेकिन आई गारंटेड यू ये पढ़ा देने के बाद में फेवरेट हो जाएगा आपका. देखिए जरा, यहां पर एक स्फीयर है बेटा मेरे पास जो न्यूट्रल है. कैसा स्फीयर है ये, तो ये स्फीयर है मेरे पास न्यूट्रल और एक स्फीयर मेरे पास है चार्ज्ड. कैसा है, एक स्फीयर चार्ज्ड है और कैसा चार्ज्ड है वो, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. अब समझना बात को ध्यान से, यहां पर ये जो हैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये इंसुलेटेड हैंडल है ताकि अगर हम इसको हाथ से पकड़ेंगे तो चार्ज, हमारी जो बॉडी है वो चार्जेस के लिए कंडक्टिंग होती है बेटा. कैसी होती है बच्चों, हमारी बॉडी चार्जेस के लिए कंडक्टिंग होती है. तो अगर मैं इंसुलेटेड हैंडल नहीं लूंगा और स्फीयर को डायरेक्ट अगर टच कर लूंगा तो इसके चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करके मुझ में आ जाएंगे. आप में से कई लोग जो है, राइट, एक गेम यार, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग उस गेम को जानते हैं लेकिन कितने लोग नहीं जानते हैं. हम तो जहां जिस रीजन में पले बड़े हैं राजस्थान में और जहां कहीं भी हम रहे हैं एमपी वगैरह में, वहां प्लास्टिक की कुर्सी पर एक दोस्त को बिठा के और हम उस पर पीछे से मारते थे, राइट, एक कपड़े से. और जब मारते थे तो हम एक दूसरे दोस्त से कहते थे कि उसके नेल को टच करना, तो जब वो उसके नाखून को छूता था ना तो झटका लगता था, राइट. दैट इज व्हाट एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एक बॉडी, राइट, हम जब उसे मार रहे थे कपड़े से तो क्या हो रहा था बच्चों, कपड़े से मारने पर चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा था क्योंकि रबिंग हो रही थी. और जब आपके फ्रेंड ने एक फ्रेंड के नेल को टच किया तो वहां पर कंडक्शन हो गया बच्चों. क्या हो गया, कंडक्शन. और आपकी बॉडी न्यूट्रल थी, अचानक से कुछ चार्ज आपके अंदर आए, कुछ चेंजेस हुए, लेकिन इंस्टेंटेनियस चेंजेस हुए, आपको झटका इसलिए फील हुआ. तो बेसिकली अगर एक चार्ज स्फीयर को मैंने क्या किया, इस अनचार्ज्ड स्फीयर के साथ टच किया तो ये इमीडिएटली क्या करेगा बेटा, देखो सारे के सारे चार्जेस, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, अगर एक स्फीयर के पास चार्जेस हैं और यहां पर अगर हमने उसे एक न्यूट्रल स्फीयर जो कि कंडक्टिंग है टच किया तो चार्जेस जो है ना बेटा अपने आप को रिपेल, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल. एक क्वेश्चन अगर आप में से किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर ये सारा का सारा जो चार्ज है ये केवल यहां पर ही क्यों है, ये सरफेस पर ही क्यों है, ये अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर है बच्चों. कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव और एक्चुअल में जैसे ही कंडक्टर को आप चार्ज दोगे ना
तो सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम दूर जाना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दूर कहां जाएगा, तो आ जाएगा आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पर। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए आउटर सरफेस पर है। जैसे ही टच करेंगे अब ये इतना इतना पोर्शन आउटर हो जाएगा बच्चों, ये आउटर हो जाएगा तो सारा का सारा चार्ज इस पे स्प्रेड हो जाएगा। अब हमने जब इनको अलग कर दिया तो जैसे ये अलग होंगे यहां से ऐसे, तो कुछ चार्ज इसके पास रह जाएगा, कुछ चार्ज इसके पास रह जाएगा। सर कितना चार्ज रह जाएगा अभी बात करने वाला हूं, बस बने रहिए आप। तो बेसिकली हमने क्या देखा सर कि जो इनिशियली न्यूट्रल था वो भी कैसा हो गया, बिकम्स चार्ज्ड। ये भी चार्ज्ड है बच्चों, और ये भी कैसा है आपका, ये भी चार्ज्ड है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनालिसिस अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग स्प्रेड करिए इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है चार्जिंग बाय कंडक्शन पर। चलिए जी, अब मैं कुछ बात आपसे करता हूं। राइट जी, देखिए यहां पर एक मेरे पास स्फीयर है जी। क्या है मेरे पास, एक स्फीयर जिसका रेडियस मैंने ले लेना है R1 बच्चों, और इसके ऊपर चार्ज है Q1। दूसरा स्फीयर मेरे पास है बच्चों जिसकी रेडियस मैंने ले लेनी है R2, और जिसका चार्ज कितना है बच्चों, Q2। बस थोड़ी देर के लिए सारा हल्ला गुल्ला बंद करके इधर ध्यान देना, यहां अल्टीमेट फोकस रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर जरा भी ध्यान हटा दुर्घटना घटी बच्चों। तो यहां पर क्या करना है मुझे, ये है इनिशियल सिचुएशन। देखिए बहुत प्यारी तरीके से बात करूंगा मैं, ये है इनिशियल सिचुएशन। मतलब अगर मुझे लिखना हो Q इनिशियल, तो मैं इनिशियल चार्ज क्या लिखूंगा भैया, इसके पास Q1 चार्ज है सर, और इसके पास Q2 चार्ज है। ये रही सर इक्वेशन नंबर वन, इतना बात समझ में आता है। चलिए अब आगे बात करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, मैं आपकी चैट्स चेक करूंगा। अगर आपको डाउट है इस सेक्शन में कहीं पर भी, आप चैट बॉक्स में लिखेगा, आई विल रिप्लाई टू यू। राइट, अब नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो आपका है स्फीयर जिसकी रेडियस आर वन है, और यहां पर जो अगला स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर टू है। हमने क्या किया, वी हैव टच्ड दिस टू स्फीयर बाय अ कंडक्टिंग वायर। कैसा है ये, सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू का मतलब मैं यहां पर बोल रहा हूं बच्चों कंडक्टिंग वायर। तो मैं क्या पाता हूं, इसका चार्ज कुछ चेंज हो गया Q1 प्राइम, और इसका चार्ज कुछ चेंज हो गया बच्चों Q2 प्राइम। अब ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ इसके लिए एक एग्जांपल पर आपको लेके जाता हूं, वहां ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगी बात आपके भेजे में उतर रही है या नहीं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने बनाई बच्चा यहां पर एक बकेट। क्या बनाई मैंने, एक बकेट बनाई, बाल्टी समझते हो ना, एक बकेट बनाई, और मैंने उसके साइड में दूसरी बकेट बना दी कुछ इस तरह से। राइट, मान लीजिए आइडेंटिकल, आप मान लेना कि दोनों आइडेंटिकल है ना, थोड़ा सा समझना बात को ध्यान से। अब क्या है, किसी महान साइंटिस्ट ने, है ना, नाम मैं लूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि पानी का रंग ब्लू होता है, तो ब्लू बना दिया भैयो। राइट जी, है ना, एक गाना भी है इस पर। तो ये मैंने बना दिया। अब यहां पर क्या है, तो ये है स्टॉपकॉक मेरे पास, एक बस वॉल्व लगा हुआ है। यार ये भरी हुई बाल्टी है, ये खाली बाल्टी है, बस इतना आंसर करना, जैसे ही मैं वॉल्व ओपन करूंगा बच्चों, बताओ मुझे चैट में क्या होगा, टेल मी फास्ट। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी यहां से फ्लो करता हुआ जाएगा सर, और क्या करेगा बच्चों, तो ये पानी फ्लो करता हुआ जाएगा और कहीं सर इसमें आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और कब तक फ्लो करेगा बताइए कब तक फ्लो करेगा। तो बात आती है सर, पानी तब तक फ्लो करेगा भरी बाल्टी में से खाली बाल्टी में, जब तक दोनों बाल्टियों में पानी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। देखो जरा ध्यान से, वॉटर लेवल इन बोथ विल बिकम इक्वल। सिमिलर टू दैट अगर हम बात करें, तो जब दो कंडक्टिंग बॉडीज को हम अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो एक बॉडी के पास चार्ज ज्यादा होगा। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मान ले रहा हूं यहां पर अजम्पशन है, आई एम अज्यूमिंग कि Q1 इज मोर देन Q2। क्या किया बेटा, ये मेरा अजम्पशन है, Q1 इज मोर देन Q2। हो सकता है Q1 छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा और जिसके पास चार्ज कम होगा, तो जैसे ही हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, इस वायर में से चार्जेस होते हुए ज्यादा वाले चार्जेस से कम वाले चार्जेस के पास, ज्यादा चार्जेस जिस बॉडी के पास है उससे
कम चार्ज वाली बॉडी के पास कुछ चार्ज क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर हो जाएगा। और जब ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा, सर ये चार्ज एग्जैक्टली कितने वक्त तक या कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? क्या ये Q1 पूरा खाली हो जाएगा? क्या सारा Q1 इसमें चला जाएगा? सर आधा जाएगा, 1/3 जाएगा, 2/3 जाएगा, एग्जैक्ट कितना चार्ज आएगा? तो बच्चे चलते हैं पिछले वाली स्लाइड पर। यहां देखो क्या कहा था मैंने, भरी वाली बाल्टी में से खाली वाली बाल्टी में पानी जाएगा। आपसे मैंने पूछा था चैट में कब तक जाएगा, तो आंसर है सर जब तक दोनों बाल्टियों में पानी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता तब तक जाएगा। अब उसी बात को पकड़ के रखना, अगली वाली बात समझ में आएगी, राइट? क्योंकि बेसिकली देखो बच्चों, चार्ज का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का पहुंच जाना, दिखता नहीं है कैसे पहुंचा लेकिन पहुंच जाता है, राइट? हाँ, चेहरे पर जरूर नजर आ सकता है किसी के। तो यहां पर अगर मैं चार्जेस के फ्लो को दिखाने की कोशिश करूं बेटा, तो मैंने एक बकेट का एग्जाम्पल लिया है, इसको ध्यान रख के हम आगे वाली बात समझते हैं। तो जब ये जो स्फीयर है 1, जिसके चार्ज हमने माने थे, और जब ये इसमें ट्रांसफर करेगा तो कब तक ट्रांसफर होगा? तो एक क्वांटिटी है जो आगे चल के इलेक्ट्रोस्टेट्स में तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल। तो मैंने लिखा V1 प्राइम और मैंने लिखा V2 प्राइम, लेकिन मैंने यहां पर लगा दिया दोनों के बीच में बराबर का साइन। और यहां पर क्या है, तो इनिशियल V1 था और यहां पर क्या था, इनिशियल V2। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए कि मान लीजिए V1 इज मोर देन क्या हो बच्चों, V2। जहां पर V क्या है, तो V को मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल। इसको मैंने क्या कह देना है बेटा, तो दिस इज नोन टू बी पोटेंशियल ऑफ बॉडी 1, पोटेंशियल ऑफ यू कैन से सर S1। S1 मतलब स्फीयर 1, और ये क्या होगा V2, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2। तो जैसे ही मैंने दोनों स्फीयर को आपस में क्या किया बच्चों, टच किया, तो एक वाले स्फीयर से चार्जेस दूसरे वाले स्फीयर में चले जाएंगे। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसी सिचुएशन है? फाइनल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है बच्चों? फाइनल सिचुएशन। तो यहां पर क्यू फाइनल वो कितना होगा, तो आप लिखेंगे सर Q1 प्राइम प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, Q2 प्राइम। ध्यान दीजिएगा बात, ये इनिशियल सिचुएशन थी और ये सिचुएशन मेरी फाइनल है, कलर मैंने बदल दिया है, आप बस लगे रहिए बातों पर। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चों? बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या समझते हैं आप? आप समझते हैं कि सर अभी मैंने लिखा था क्यू इनिशियल शुड बी इक्वल टू क्यू फाइनल, ये होना चाहिए बच्चों। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा सर Q1 प्राइम प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, Q2 प्राइम। ये एक ब्यूटीफुल इक्वेशन मेरे पास आती है। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एग्जैक्टली हाउ मच चार्ज विल बी फ्लोन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट? विदाउट योर हेल्प एंड सपोर्ट इट विल बी नॉट पॉसिबल। तो अपना प्यार दिखाते रहिए ताकि मैं एनर्जी के साथ, मोर एनर्जी के साथ और एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में आप तक पहुंच सकूं बच्चों। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक एक अजम्पशन, एक एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में यूज करने जा रहा हूं जो आगे चल के मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा वो क्या होगा। देखिए, तो एक्चुअल में एक बात मैं जानता हूं, राइट? यहां पर राइट, वी नो दैट करके लिख दे रहा हूं बच्चों, वी नो दैट, है ना? हालांकि ये बात लिखने की होती वी नो दैट, लेकिन एक्चुअल में टीचर नोज दैट। पोटेंशियल जो होता है किसके लिए, तो ये मैंने लिखा स्फीयर, किसके लिए लिखा बेटा, तो मैं लिख दे रहा हूं सर स्फेरिकल बॉडी, मतलब जो भी राउंड बॉडीज होगी उसके लिए जो वी होता है वो होता है बच्चों KQ डिवाइडेड बाय R। क्या होता है यहां पर, V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R, जहां पर K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। कोई परेशानी की बात नहीं है सर, ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा। जिस दिन प्रूव कराऊंगा उस दिन वापस इस स्लाइड की बात भी करूंगा कि मैंने वहां तब यूज किया था। एक्चुअल में मैंने बिना पढ़ाए डायरेक्ट फार्मूला यूज किया, क्यों? क्योंकि बच्चों मैं नहीं चाहता कि हम एक महीने भर का इंतजार करते रहें कि कब हम क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे। इसलिए बेहतर है कि अभी से हम इस एक ब्यूटीफुल फॉर्मूले को समझ लें और इसका यूज करके हम क्वालिटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दें जो एम्स और जिपमर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तो बेसिकली यहां पर क्यू क्या है, तो क्यू होता है बेटा चार्ज ओवर स्फेरिकल बॉडी, चार्ज ऑन स्फेरिकल बॉडी। ये क्या होता है बच्चों, क्यू आपका, तो चार्ज ऑन स्फेरिकल बॉडी। और आर क्या होता है, तो आर होता है बच्चों रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो अब आप अगर यहां पर थोड़ा सा समझे बात को, आगे बढ़ाते हैं कहानी और बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन। तो हमने यह समझा कि सर आई कैन से कि पोटेंशियल जो है वो आपने पढ़ाया अभी KQ डिवाइडेड बाय
आर होता है, बट हमने कंडक्शन के केस में, बट इन कंडक्शन व्हाट यू फाउंड दैट सर, फाइनल सिचुएशन में वी वन प्राइम एंड वी टू प्राइम शुड बी इक्वल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे कब तक, जब तक उन बॉडीज के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल बॉडी वन का वी वन प्राइम था, बॉडी टू का वी टू प्राइम था, लिखोगे क्या? तो लिखोगे सर के तो कांस्टेंट है, लेकिन ये हो जाएगा क्यू वन प्राइम और ये रेडियस हो जाएगी बच्चों आर वन। भाई रेडियस तो रेडियस रहनी है, यहां रेडियस चेंज नहीं होती। हाँ, बच्चे का क्वेश्चन जरूर होता है कि सर अगर चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ मास भी लेके जाएगा। अब बॉडी का अगर मास कम हो रहा है और उस बॉडी की डेंसिटी अगर सेम है तो सर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा था बच्चों हमने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो बोलता है कि सर अगर मास कम हो रहा है, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, डेंसिटी क्या है बच्चा मटेरियल की, कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये जो वी है ये भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यार बात यह है कि एक्चुअल में जो ये V है ना, यहां पर भी हम क्या करेंगे, अगर V में चेंजेस होंगे V शुड चेंज, और अगर V में चेंजेस होंगे तो आप यहां पर क्या बोलोगे सर, R में चेंजेस होंगे। लेकिन बच्चा जो मास में चेंज होता है, बड़े ध्यान से समझना, जो मास में चेंज होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मैं रेडियस को आर वन प्राइम करने की बजाय आर वन कर दे रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा यहां पर। तो अगली इक्वेशन बनेगी बेटा के क्यू टू प्राइम डिवाइड by R2। चलिए बात करते हैं सर, K से K आपने कट किया तो रिलेशन क्या बनता है सर, Q1 prime divided by R1 is equals to बनता है सर Q2 prime divided by R2। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, प्रीवियस वाली स्लाइड में एक इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, ये इसे मैं नाम दे दे रहा हूं, चलिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 मैंने पहले ही बोल रखा हुआ है, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने नाम दे देना बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करके सॉल्व करता हूं तो आई कैन राइट इस Q1 prime को मैं लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा, दिस इज आर टू, सॉरी बच्चों दिस इज आर टू, तो ये हो जाएगा सर आर वन डिवाइडेड बाय आर टू और इनटू में हो जाएगा बच्चों क्यू टू प्राइम। अब अगर इस क्यू वन प्राइम को यहां पर, इस क्यू वन प्राइम को इक्वेशन नंबर 2 में ले जाके रखूंगा तो क्या बनेगी इक्वेशन, तो इक्वेशन बनेगी, देखिए कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, इक्वेशन बनेगी क्यू वन एज इट इज रहेगा, क्यू टू एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा सर आर वन डिवाइडेड बाय आर टू, ये हो जाएगा क्यू टू प्राइम और प्लस हो जाएगा क्यू टू प्राइम। बोलो जी हाँ या ना, वी हैव चेंज्ड क्यू वन प्राइम, राइट, कहां से लिखा मैंने, तो आई एम राइटिंग हियर बाय इक्वेशन नंबर यहां पर 2। तो आपकी, आपको जब नोट्स मिले तो रिवाइज करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हो, आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तुम्हारे मन में डाउट बाद में आएगा, मैं बता पहले दूंगा बच्चों। चलिए सो यहां पर अगर मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, Q2 प्राइम हम कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बिकम R1 डिवाइडेड बाय R2 और ये प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर Q2 प्राइम, थोड़ी इजाजत दीजिएगा डायरेक्ट कर रहा हूं, एलसीएम लेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, तो ये जो R2 है ये उधर जाके R1 प्लस R2 हो जाएगा, लेकिन ये हमें Q2 प्राइम निकालना है तो R2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा सर Q2 प्राइम इज इक्वल टू ऊपर में R2 और नीचे हो जाएगा सर R1 प्लस R2 और इनटू में होगा क्या, तो इनटू में हो जाएगा सर Q1 प्लस Q2, बेसिकली इनिशियल चार्ज, इसे मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं क्योंकि ये इक्वेशन मेरे लिए बहुत काम की है, बहुत मददगार होगी। तो अगर Q2 प्राइम आ गया बच्चों, क्या आ गया Q2 प्राइम, तो सिमिलर टू दैट मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट Q1 प्राइम, तो ऊपर लिख दे रहा हूं Q1 प्राइम, जैसे आपने Q2 प्राइम कैलकुलेट किया बच्चों, आपने Q2 प्राइम कैलकुलेट किया तो यहां पर ऊपर हो जाएगा रेडियस R2 और नीचे R1 प्लस R2। सिमिलर टू दैट अगर आप प्रीवियस वाली इक्वेशन में इस Q2 प्राइम को अगर आप यहां से चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, जो इक्वेशन आपको मिलेगी Q1 प्राइम है तो ऊपर R1, नीचे हो जाएगा सर R1 प्लस R2 और इनटू में हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2। बहुत आसान इक्वेशन है लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप मेरी क्लास को मैक्सिमम इंटेंसिटी पर एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको याद होने चाहिए, और अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो, और उसे पूरा अगर करना चाहते हो, सपना होना अलग बात है पूरा करना अलग बात है, तो अगर पूरा करना चाहते हो तो भी याद होना चाहिए। चलिए तो यह था ऑल अबाउट चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर किसी स्टेप में कहीं पर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आई एम लुकिंग एट द चैट, जस्ट मुझे फटाफट बता दीजिए कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। फर्स्ट ओके,
सो किसी को कोई क्वेरी नहीं है, चलिए तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। चलिए सो यहां पर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स ओरिजिनली, राइट। ए बी और सी तीन आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, के सॉल्व तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग लग रहे हैं कि चलिए सर आप पहले करके सिखा दीजिए फिर हम ट्राई करेंगे, तो मैं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूं। और आप मेरी प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे फिजिक्स को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है बच्चा, राइट। तो क्वेश्चन पर फोकस करें, ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स, राइट। चलिए बनाते हैं, तो बोला एक स्फीयर नंबर वन, मतलब उसको मैंने नाम दे दिया स्फीयर ए, फिर यहां पर मैंने बना दिया स्फीयर बी, आइडेंटिकल है, और यहां पर हो गया सर स्फीयर सी, आइडेंटिकल मैंने बना लिए, जितना उसने कहा थोड़ा सा मान के चलना, आइडेंटिकल सी वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, राइट। चलिए अब जो कहता है उसकी बात करते हैं, ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्जेस 3 माइक्रोकॉलम, क्या बोल रहा है बच्चों, तो बोल रहा है कि ए और बी के पास कितना चार्ज है, ए के पास और बी के पास, तो इसके पास है 3 माइक्रोकॉलम, राइट। इसके पास कितना चार्ज है बच्चों, 3 मिली कॉलम, सॉरी हाउ मच चार्ज इट हैज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मिली और माइक्रो से, लेकिन फिर भी जो दिया गया है क्वेश्चन में उस पर बात करें, सो यहां पर बोल रहा है सर 3 मिली कॉलम, और इसके पास भी कितना है सर 3 मिली कॉलम, और सी के पास जो है चार्ज कितना दिया है क्वेश्चन में, -6 मिली कॉलम, कितना दिया बच्चों, -6 मिली कॉलम। बहुत केयरफुल तरीके से रख के रहिएगा साथ में, कंडक्शन हमने स्टार्ट किया है, आपको लग रहा है थ्योरी कंप्लीट हो गई, नहीं, थ्योरी अभी कंडक्शन की कंटिन्यू ही है, जो सिखाना है मुझे नोट पॉइंट्स वो मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा, मैं बताऊं और आप याद रखो, इससे बेहतर है आप खुद बनाओ, ये है फिजिक्स का कमाल बच्चों। चलिए सो अब उसने जो कहा वो करते हैं, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड, क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड, अगर ए और सी को टच करेंगे, यहां पर देखिए जरा, तो ये रहा मेरे पास ए और ये रहा मेरे पास सी, अगर मैं देखूं तो ये सिचुएशन कैसी बच्चों मेरी, इनिशियल है, मैंने क्या किया टच किया, क्या किया बच्चों टच किया, तो यहां पर एक्चुअल में चार्ज कुछ और हो जाएगा और यहां पर चार्ज कुछ और होगा। अब बेसिकली जो फॉर्मूला था याद है ना, अभी पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था Q1 प्राइम इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू में था Q1 प्लस Q2। इफ की कंडीशन अगर लगा दे सर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, मतलब क्या हो जाए, दोनों स्फीयर अगर आइडेंटिकल इन साइज हो जाएंगे बच्चों, तो R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होगा, और उस केस में आप देखेंगे सर Q1 प्राइम का वैल्यू हो जाएगा सर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब अगर आपके स्फीयर्स कैसे हुए आइडेंटिकल, तो दोनों स्फीयर पर क्या होंगे, चार्जेस बराबर बराबर अपीयर होंगे, तो Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम आर इक्वल, तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो चार्ज इनिशियल कितना था, तो दोनों प्लस प्लस है बच्चों, दोनों प्लस 3 मिली कॉलम है, तो इनिशियल चार्ज हो जाएगा 6 मिली कॉलम के बराबर, तो 6 का आधा आधा कितना आएगा बताइए बताइए, तो 6 का आधा आधा आएगा सर, यहां पर इसके पास भी 3 मिली कॉलम और इसके पास भी 3 मिली कॉलम, और हम ऐसे भी कह सकते थे कि सर एक्चुअल में ए, सॉरी मैंने यहां पर ए और बी को टच कर दिया, ना 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 ना, वेट अ मिनट, दिस इज ए और ये कौन सा होगा बेटा आपको सी, किसने कहा, रियली सॉरी बच्चों, ए और सी को पहले टच करना है, तो यहां पर अगर इनिशियल चार्ज की बात करूंगा मैं किसके बीच में, इनिशियल चार्ज की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, इनिशियल चार्ज की बात करूंगा किसके बीच में, ए और सी के बीच में, ए के पास कितना है प्लस 3 मिली कॉलम, सी के पास कितना है -6 मिली कॉलम, मतलब इनिशियल चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा फॉर ए एंड सी, तो वो हो जाएगा सर ए और सी के लिए इनिशियल चार्ज -6 यहां पर प्लस 3 यहां पर, तो बचेगा केवल और केवल -3 मिली कॉलम, और इस -3 का हाफ हाफ, इस -3 का हाफ हाफ बच्चों, थोड़ा सा केयरफुल राइट, इनिशियल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2, और आपको एडिटिविटी की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था बच्चों, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि चार्जेस जो हैं विद साइन ऐड होंगे, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर -6 प्लस 3 -3 हो जाएगा बच्चों, इसका आधा कितना आएगा, तो यह आएगा -3 बाय 2 और इसका आधा कितना आएगा सर -3 बाय 2, दैट्स इट, ये किसके पास, ए और सी के पास नया चार्ज आ गया। अब उसने जो आगे कहा है उस पर बात करते हैं, ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच्ड,
बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट. अब क्या किया, किसको टच करना है बच्चों, तो टच करना है बी और सी को. लेकिन सी को हम टच कर रहे हैं कब, जब वो सी प्राइम हो चुका है, मतलब एक बार उसका कॉन्टेक्ट ए के साथ हो गया. तो अब यहां पर देखना, अब यहां पर मेरे पास ये रहा बी जिसके पास चार्ज कितना है बच्चों, 3 मिली कॉलम है, और ये रहा मेरे पास सी जिसको मैं सी प्राइम बोल रहा हूं. प्राइम इसलिए क्योंकि उसका एक बार ही कंडक्शन हो चुका है. तो इसके पास चार्ज कितना है बच्चों, 3 मिली कॉलम डिवाइडेड बाई 2. तो यहां अगर आप इस प्रोसेस में इनिशियल चार्ज बोलोगे तो इस प्रोसेस में इनिशियल चार्ज बचाइए बच्चों, बताइए कितना होगा. तो ये कितना, माइनस का डेढ़, ये प्लस का कितना बच्चों, 3. अब माइनस का डेढ़ और प्लस का 3 ऐड करोगे तो बचेगा प्लस का. प्लस का कितना सर, तो आप बोलेंगे सर प्लस का 3/2 मिली कॉलम बस बचना है. अब बेसिकली अगर आप यहां पर समझे तो बात मुझे ये समझ में आती है कि यार अब ये जो इनिशियल है ना, इसका आधा आधा, क्योंकि बी और सी भी कैसे हैं, आइडेंटिकल है. तो बी पर जो नया चार्ज होगा ना, जिसे मैं बी प्राइम बोलूं, वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3/4 मिली कॉलम. और जो सी पर, मैं यहां बना दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा बच्चों जरा, सी डबल प्राइम इसलिए क्योंकि दो बार कंडक्शन हो गया, तो उसके पास भी चार्ज कितना होगा, 3/4 मिली कॉलम, आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा. तो ये नया और ये नया. अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है, हम उस पर जाते हैं. इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर, किसकी बात कर रहा है, पूरी प्रोसेस होने के बाद में बच्चों बात कर रहा है ए और बी की. तो देखो ये था ए जिसका पहली बार कंडक्शन हुआ, जिसके पास चार्ज कितना था यहां पर, जिसके पास चार्ज है सर जी माइनस में कितना, 3/2 मिली कॉलम. और यहां किसके, ए और बी की बारे में बात करनी है ना, तो बी के पास चार्ज कितना है सर, पॉजिटिव है. तो जब हम बात करें सर, तो ए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, बी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है. कैसे हो गए बच्चों, अनलाइक चार्जेस. क्या करेंगे, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर. कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लेस देन 30 सेकेंड्स. मुझे वक्त लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली मूव ऑन करना है. इसलिए अब अगर हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, तो यह बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया, तो बोल रहा है इफ इंस्टेड ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर. मतलब इस प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में हम समझे, तो देखो ए कैसा था, तो ए फाइनली नेगेटिव चार्ज था. बी कैसा था, तो बी फाइनली पॉजिटिव चार्ज था सर. और सी कैसा था, फाइनली पॉजिटिवली चार्ज था. अब वो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि आई हैव टू हेल्ड दिस टू टूगेदर, राइट. मतलब मुझे ए और सी को पास पास रखने हैं. तो ये क्या करेंगे, तो ये फिर से भाई एक नेगेटिव हो गया और दूसरा पॉजिटिव हो गया, तो ये फिर से क्या करेंगे सर, दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहां पर भी ऑप्शन कौन सा होगा, ए. लेकिन अगर मान लीजिए पूछा होता व्हाट इज बिटवीन बी एंड सी, तो ये क्या करते सर, ये एक दूसरे को रिपेल करते. बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है, तो आप यहां पर जो है फटाफट मुझे जो है यो लिख के भेज दीजिए. कई बच्चे बी बोल रहे हैं, बी क्यों बोल रहे हो बेटा, बी नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है, इफ इंस्टेड ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर. चलिए पिछली स्लाइड में जाके देखते हैं. देखो सी के पास फाइनल चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है. सी के पास फाइनल चार्ज कैसा है, पॉजिटिव. और ए को जब पहली बारी कंडक्शन कराया था तो उसके पास चार्ज कैसा आया था बच्चों, नेगेटिव आया था. तो एक्चुअल में एक के पास पॉजिटिव और दूसरे के पास क्या है, नेगेटिव. तो अट्रैक्ट करेंगे ना, रिपल्शन कैसे आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है. ये वो क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर लेने से काफी सारे फंडे एक साथ क्लियर हो जाएंगे. चलिए जी, तो क्वेश्चन है यहां पर, ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर 3 इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई आर 2R एंड 3R रेस्पेक्टिवली. मतलब अगर हम बनाएं तो सर जी ये है आपका ए जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, R है. फिर यहां पर हमने इससे थोड़ा बड़ा बना लेना है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 2R है, जो हो जाएगा B. और फिर यहां थोड़ा और बड़ा बना लेना है, जिसकी रेडियस कितनी है, 3R है, ये हो जाएगा C. चलिए अब जो कहता है उसकी बात करते हैं. इसके पास चार्ज कितना है, तो कहता है प्लस 3 मिली कॉलम. पढ़ो जरा, A और B के पास चार्जेस 3 मिली कॉलम है. प्रीवियस प्रॉब्लम में ही मैंने बस यहां पर कुछ कुछ बातें चेंज करी है, ताकि देखते हैं कुछ बदलने से क्या होता है. और इसके पास है ऑब्वियस 6 मिली कॉलम. अब जो कहा है देखिए, अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड. क्या किया बच्चों, ए और सी को टच किया.
तो इनिशियली अगर मैं बनाऊं यहां पर थोड़ा सा इधर देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस को यूटिलाइज करके, ये रहा मेरे पास R रेडियस का ऑब्जेक्ट A जिसके पास चार्ज कितना है 3 मिलीकॉलम, ये रहा मेरे पास 3R रेडियस का C वाला ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज कितना है -6 मिलीकॉलम। ये है मेरी इनिशियल सिचुएशन बच्चों। देखिए अगर पिछला क्वेश्चन अगर थोड़ी बहुत कसर अगर रह गई हो, थोड़ा भी अगर कुछ ऊपर नीचे रह गया हो, तो यहां पर फोकस बढ़ाइए अपना, आप यहां पर देखेंगे जरा क्या पहुंचता है। तो लिखेंगे सर Q इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा सर, देखो वो होगा Q1 और प्लस क्या होगा बच्चों Q2। Q1 का वैल्यू कितना है +3 मिलीकॉलम और Q2 का वैल्यू कितना बच्चों -6 मिलीकॉलम। क्या आएगा आंसर? तो आपका आंसर आ जाएगा सर Q इनिशियल का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा सर -3 मिलीकॉलम। प्लीज रिमेंबर दिस -3 मिलीकॉलम। अब अगर आप यहां पर बात करें, आपने टच किया है एंड व्हाट यू वांट कि सर अब अगर हमने टच किया ना, मतलब फाइनली अगर क्या किया सर, ये है अगर आपने फाइनली टच कर दिया तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, तो एक्चुअल में जो चार्ज होगा QA पर वो QA नहीं QA प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? QA प्राइम हो जाएगा। और जब वो QA प्राइम होगा तो यहां पर देखो पिछले स्लाइड्स में बताया फॉर्मूला, जब अगर Q1 प्राइम होता है तो ऊपर रेडियस 1 आएगी, मतलब यहां पर रेडियस आर ए की आएगी बच्चों। फिर नीचे क्या होता है, तो जिनको टच किया उनकी रेडियस का सम टोटल, किनको टच किया, A को और C को टच किया, देखो ये किसको टच किया, A को और C को, तो यहां पर ये हो गया। और इनटू में यहां पर आप लिखेंगे सर क्या, तो आप लिखेंगे एक मिनट सर, दिस विल बी Q1 और प्लस दिस विल बी क्या हो जाएगा सर आपका Q2, दिस विल बी Q1 और Q2। अब यहां पर बेसिकली RA का वैल्यू कितना है R, RA का वैल्यू R और RC का वैल्यू कितना है बच्चों 3R, और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है -3 मिलीकॉलम्ब। तो ये क्या हो जाएगा सर, बेसिकली ऊपर में R और नीचे में हो जाएगा सर 4R और इंटू में हो जाएगा सर -3 मिलीकॉलम्ब। तो जो चार्ज है बच्चा किसके पास, QA के पास, वो कितना होगा, तो QA के पास चार्ज हो जाएगा सर -3/4 मिलीकॉलम। ये QA के पास चार्ज आ गया कितना -3/4 मिलीकॉलम। और अगर सिमिलर टू दैट अगर आप बात करेंगे किसके ऊपर, सॉरी ये है C, तो QC प्राइम कितना हो जाएगा, तो या तो आप फॉर्मूला लगा दो क्यूसी प्राइम का कि क्यूसी प्राइम इज इक्वल टू ऊपर क्या होगा आरसी, नीचे क्या हो जाएगा आरए प्लस आरसी, इनटू में क्या होगा इनिशियल चार्ज। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, और वो क्या, वो काम ये है बच्चों कि आपको पता है टोटल इनिशियल चार्ज कितना है -3 माइक्रोकॉलम, और आपको पता है फाइनल चार्ज भी यही होना चाहिए। तो आप सिंपल एक काम करेंगे कि सर इस चार्ज को इनिशियल चार्ज में से माइनस कर दीजिए, बचा हुआ आपका चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं लिखूंगा सर QC प्राइम इज इक्वल टू 3 मिलीकॉलम में से ये माइनस का 3/4 अगर मैं माइनस करूं, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा सर आपका -3, ये हो जाएगा +3/4, दिस विल बी 12 - 3 दैट इज हो जाएगा 9, तो हो जाएगा -9/4, ये कितना हो जाएगा बच्चों -9/4। चेक लगा लीजिए फटाफट, समझ में आ जाएगी, चेक लगाने पर समझ में आ जाएगी बच्चों। अगर मैं इस QA प्राइम और इस QC प्राइम, इस QA प्राइम और QC प्राइम को ऐड करूंगा तो देखो आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर ऐड करने पर दिस इज -3 और ये बाय कितना होगा बच्चों 4, और ये हो जाएगा -9 डिवाइड प्लस करके है ना, तो 4, तो ये क्या होगा सर 4 LCM लेके ऊपर हो जाएगा 12, कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो फाइनल आंसर आपका आएगा -3 के बराबर। तो इसका मतलब हमने जो किया वो सही है, ये चेक करने का तरीका है बच्चों। तो बेसिकली अगर मैंने A और C को टच किया तो A के पास कितना चार्ज आया बेटा नेगेटिव आ गया, C के पास भी कितना चार्ज आया नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर मुझे अगले बात में देखना है तो ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी आर टच्ड, क्या किया बी और सी को टच किया, लेकिन कब, जब हम सी को पहले टच कर चुके हैं, तो थोड़ा सा अब हम जो है ब्लैक स्क्रीन पे जाकर समझते हैं बेटा, राइट। यहां पर समझिए, ये था आपके पास क्या बी, और बी के पास चार्ज कितना था 3 मिलीकॉलम, और यहां पर क्या था आपके पास सी, लेकिन सी को मैंने प्राइम कर दिया, क्यों, क्योंकि ये एक बार कंडक्शन कर चुका है, तो इसका चार्ज कितना आया था सी का, तो यह आया था -9/4 मिलीकॉलम। तो ये जो है, ये है मेरी इनिशियल सिचुएशन बच्चा। तो जब इनका कंडक्शन करने से पहले चार्ज अगर मैं देखूंगा इनिशियल, तो वो हो जाएगा +3 मिलीकॉलम और माइनस हो जाएगा, ये आप नोट करते रहिएगा बच्चों साथ साथ, राइट, पेन डायरी लेकर बैठे,
तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 मतलब हो जाएगा कितना बेटा 3/4 पॉजिटिव 3/4 मिली कॉलम आपका आ गया क्यू इनिशियल। अब अगर जब मैंने इन दोनों को क्या किया कंडक्ट करवाया तो इन दोनों को कंडक्ट कराने पर जो क्यू बी है वो प्राइम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब हम कंडक्शन करा देते हैं तो बॉडीज पर चार्जेस बदल जाते हैं। फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं, किसको कैलकुलेट कर रहे हैं बी वाले पर, तो ये हो जाएगा क्यू बी प्राइम मतलब ऊपर होगा बच्चों आरबी और नीचे हो जाएगा सर आपका आरबी प्लस आरसी और इनटू में हो जाएगा क्यू इनिशियल। तो ये आ जाएगा सर आपका क्यू बी प्राइम इज इक्वल टू बच्चों आरबी का वैल्यू कितना है, तो आरबी की रेडियस हमने 2r लेके रखी है और इसकी रेडियस हमने 3r लेके रखी है, तो ये हो जाएगा सर आपका 2r, ये हो जाएगा सर 2r प्लस कितना होगा बच्चों 3r और इनिशियल चार्ज का वैल्यू कितना आया, तो वो आया था आपका 3/4 ऑफ मिली कॉलम। तो समझेंगे जरा, तो ऊपर हो जाएगा सर 2r, नीचे हो जाएगा आपका 5r और ये हो जाएगा सर 3/4 मिली कॉलम। तो समझेंगे अगर r से r कैंसिल आउट करके तो आंसर हो जाएगा सर दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 20 और यू कैन राइट सर 3/10 मिली कॉलम। ये कितना आया सर 3/10 मिली कॉलम, किसका वैल्यू आया क्यू बी प्राइम का वैल्यू आया, तो क्यू सी डबल प्राइम। क्यों डबल प्राइम, क्योंकि पहले तो एक बार कंडक्शन हो चुका है दोबारा कंडक्शन है इसलिए डबल प्राइम बोलूंगा, तो क्यू सी डबल प्राइम, तो क्यू सी डबल प्राइम हो जाएगा सर टोटल चार्ज 3/4 में से, टोटल चार्ज जो इनिशियली मेरे पास अवेलेबल है उसमें से 3/10 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए सर, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सर 40, ये हो जाएगा कितना बेटा 30 माइनस दिस इज आपका 12, कितना आएगा सर 18, तो क्यू सी डबल प्राइम इज इक्वल टू 18/40 दिस इज कितना 9/20 मिली कॉलम। तो आप समझते हैं जरा बात को कि अगर मैं इस वाली स्क्रीन पर पहले बात कर लेता हूं, तो ये था मेरे पास बी और ये था मेरे पास सी प्राइम, जब इनको कंडक्ट करवाया तो इनिशियल चार्ज कैसा था बच्चों पॉजिटिव था, इनिशियल चार्ज अगर पॉजिटिव था तो यहां पर क्यू बी प्राइम भी कैसा आया, देखो क्यू बी प्राइम भी पॉजिटिव आया और क्यू सी प्राइम भी कैसा आया पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं प्रीवियस स्लाइड अगर मैं जाता हूं मान लीजिए यहां पर, तो इसको देखो जब मैंने ए और सी को कनेक्ट किया था तो इनिशियल चार्ज कैसा था बच्चों मेरा नेगेटिव था, तो ए पर भी चार्ज कैसा आया नेगेटिव और सी पर भी चार्ज कैसा आया नेगेटिव। अब अगर हम चार्जेस जो हमें कैलकुलेट करने थे, काम तो हमारा हो गया कि चार्जेस क्या हैं, लेकिन इस पर बेस्ड अगर हम कंक्लूजन, बीच में दो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, वो आपका होमवर्क है, आप उसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे डील करूंगा बेटा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर देखिए अभी हमने क्या देखा था कि ए के पास चार्ज कैसा आया पॉजिटिव फाइनल है ना, क्योंकि मैंने सॉरी ए के पास चार्ज कैसा है नेगेटिव, ए के पास चार्ज कैसा है सर नेगेटिव क्योंकि एक ही बार कंडक्शन हुआ। सी के पास अगर हम चार्जेस की यहां पर बात करें तो मेरे पास जो था एक्चुअल में अभी आया था क्या ए के पास नेगेटिव, बी के पास पॉजिटिव और सी के पास भी पॉजिटिव। तो एक्चुअल में समझ में ये आता है सर कि जो नेचर इनिशियल चार्ज का होता है आफ्टर कंडक्शन वही नेचर ट्रांसफर होता है। तो समझते जरा यहां पर कंक्लूजन में, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्जेस विल फ्लोस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, लेकिन कहां से कहां तक, तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी, जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उससे जिसके पास चार्ज कम होगा उसके पास पहुंचेगा टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल नो मैटर वेदर द बॉडीज आर आइडेंटिकल और नॉट। तो बॉडीज आइडेंटिकल हो चाहे नहीं हो उनके पोटेंशियल हमेशा इक्वल होंगे। और अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें इन चार्जिंग बाय कंडक्शन इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, कैसी बॉडीज होती है बेटा आइडेंटिकल, मैंने हाईलाइट करके रखा है, अगर बॉडीज आइडेंटिकल है तो फिर यहां पर जो चार्ज होगा आफ्टर कंडक्शन वो इनिशियल चार्ज का हाफ हाफ ट्रांसफर हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसी पॉइंट को यूज किया था, नेचर ऑफ द चार्जेस ओवर द बॉडीज विल बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल चार्ज। अगर इनिशियल चार्ज दोनों बॉडी का मिला के अगर इनिशियल चार्ज नेगेटिव है तो फाइनल चार्ज भी नेगेटिव ही होगा। अगर आपका अलग अलग नेचर आता है तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, ये क्रॉस चेक है बेटा, ये है वो चीजें जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। तो बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने एक बहुत ब्यूटीफुल
फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार फिर से. चलिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, Q1 प्राइम इज इक्वल टू वो था बच्चों R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और इनटू में क्या होगा बच्चों, तो वो होगा Q1 प्लस Q2. एक तो ये फॉर्मूला था एंड यहां पर हमने पढ़ा था Q2 प्राइम इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों, R1 प्लस R2 इनटू में था Q1 प्लस Q2. तो बेसिकली ये जो दोनों फॉर्मूलाज है एप्लीकेबल ओनली फॉर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एप्लीकेबल किसके लिए होंगे. तो आप बोलेंगे सर एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज. ओनली फॉर किसके लिए होंगी बच्चों, ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज, बिकॉज ये फॉर्मूला पोटेंशियल को इक्वेट करने से आया और पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने स्फेरिकल बॉडीज का यूज किया था. तो बी केयरफुल यहां पर, ध्यान रखिएगा. चलिए तो आज के लेक्चर में इतना. दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे के रखे हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री उसमें यूज होने वाली है जो कि अश्विनी सर आपको बेहतरीन तरीके से सिखा रहे हैं. आप वो कॉन्सेप्ट लगाइए छोटे से and you will be able to solve the problems, right? तो आपका जो प्यार मिला आज की क्लास में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत अच्छे से मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप जो है आगे ये सारी चीजें अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहे बेटा, क्योंकि वो भी क्वालिटी एजुकेशन के हकदार हैं और आप एक्ट ऑफ काइंडनेस के चलते काम करें. 11th ग्रेड का टाइमिंग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मंडे ट्यूजडे वेनसडे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 4, 5, 6 PM. 12th ग्रेड फ्राइडे सैटरडे संडे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 4, 5, 6 PM. एंड यहां पर जो कुछ भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, दैट इज द प्लेटफॉर्म विच इज अनबीटेबल अनकंपेरेबल अनबिलीवेबल बच्चों. तो आपको यहां पर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि किसी भी तरह का हम इवेंट क्रिएट करें आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी बन पाए बच्चों. तो आप इसे जरूर दबा दीजिएगा, शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें और एनर्जी मिले और बेहतर काम करने के लिए. टेलीग्राम ऐप पर काफी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछकर अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं. आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो पता नहीं आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से डाउनलोड करें. URL आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, इस तरफ, इस URL को यहां से कॉपी करें और इसको इस तरफ आप ब्राउजर में ले जाकर डाल दीजिए. यू विल बी एबल टू ज्वाइन विथ अस. आप डाउट मुझे भेजिए, जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं वो आपको चैट में लिख के बता देंगे या ग्रुप में लिख के बता देंगे कि सर खुद पेन पेपर पर सॉल्व करके और वॉइस मैसेज भेजकर डाउट क्लियर करते हैं. नेक्स्ट यहां पर बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप मैं जो कल लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें मैं बता दूंगा कि प्लस की बात हम क्यों करते हैं. आप यहां पर जो बात कर रहे हैं प्लस आपको ज्वाइन करना है बच्चों फॉर एडिशनल बेनिफिट्स. अगर आप श्योर शॉर्ट रैंक चाहते हैं, YouTube पर हमारी जो टीम है बेहतरीन टीम, वो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन तो दे ही रही है लेकिन हमारी पूरी टीम आपको प्लस पर भी असिस्ट करेगी, एडिशनल वे में असिस्ट करेगी बेटा. बहुत कुछ एक्स्ट्रा है प्लस पर, वाकई प्लस है. तो आप फटाफट से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और वहां पर आप जब प्लस का सब्सक्रिप्शन लें तो ये नीट लाइव रेफरल कोड जरूर डाउनलोड करें बच्चों, इससे आप एडिशनल बेनिफिट्स के बेनिफिशियरी हो जाएंगे. चलिए बच्चों तो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लव एंड कीप स्टडीइंग. ऑल द वेरी बेस्ट.